चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रितेश उर्फ रामो तिवारी की ओर से सभी मुस्लिम भाई बहनों को और चंद्रपुर वासियों को बकरीद की मुबारकबाद। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार सत्य परमो धर्म। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने वाले जयेश कांता उर्फ जयेश पुजारी के खिलाफ धमकी के मामले में नागपुर पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है। FIR के 90 दिन बीत जाने के बाद भी नागपुर पुलिस ने अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की, जिसके बाद कोर्ट की इजाजत के बाद अब नागपुर पुलिस 15 अगस्त से पहले जयेश पुजारी के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। नागपुर पुलिस ने पुजारी के खिलाफ UPA के तहत मामला दर्ज किया है, साथ ही NIA की टीम भी पुजारी को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जयेश पुजारी ने कर्नाटक की बेलगाम जेल से 2 बार फोन पर धमकी दी थी। एक बार 100 करोड़ तो दूसरी बार 10 करोड़ की डिमांड भी की गई थी, जिसके बाद नागपुर पुलिस ने नितिन गडकरी की शिकायत पर जयेश पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज कर कर्नाटक की बेलगाम जेल से उसे ट्रांजिट रिमांड पर नागपुर लाया। इसके बाद ये पूरा मामला NIA को सौंप दिया गया। ये जो प्रकरण था जिसमें 2 गुने हमने दाखिल किए थे, इसमें तपास शुरू से ही नागपुर शहर पुलिस कर रही थी। इसमें तपास में शुरुआती तपास के बाद UAPA की के आवश्यक कलम इस गुने में लगाए गए थे। इसकी तपास नागपुर शहर पुलिस कर रही है और इसकी इनिशियल जो मुद्दत थी वो ख़त्म होने हो रही थी, इसलिए नागपुर सिटी पुलिस ने कोर्ट से मुद्दतवाड़ के लिए एप्लीकेशन किया था और हमें 50 डेज का एडिशनल मुद्दतवाड़ मिला है और 15 अगस्त तक ये मुद्दतवाड़ है। 15 अगस्त के पहले नागपुर शहर पुलिस इस प्रकरण में दोषारोप दाखिल करेगी। NIA ने क्या दाखिल किया है इसके बारे में हमें कोई भी प्रकार की अधिकृत जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये प्रकरण इंटरस्टेट रैमिफिकेशंस होने की वजह से हमारी स्टेट की दूसरी एजेंसीज, कर्नाटक की एजेंसीज और केंद्रीय एजेंसीज ये मिलके इस प्रकरण को कोऑर्डिनेटेड तरीके से तपास कर रहे हैं। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी भाई मदन कुरैशी की ओर से समस्त मुस्लिम भाई बहनों को और चंद्रपुर वासियों को बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पुलिस थाना रामनगर में 25 जून को शिकायतकर्ता मनीष रिदुरकर ने पुलिस को शिकायत दी कि 14 जून को रात 10 बजे के दरमियान जब वो अपने परिवार के साथ थाने में अपनी बहन के यहाँ गए थे, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर का ताला तोड़कर 10 ग्राम वजनी मंगलसूत्र, सोने की चेन, 2.5 ग्राम सोने की बालियां, 1 ग्राम सोने का लॉकेट, कैनन का कैमरा आदि चोरी कर लिया गया, जिसकी FIR पुलिस ने दर्ज कर ली है। इसके बाद पुलिस ने अथक प्रयास से आरोपियों को गिरफ्तार करके 65,000 का मुद्देमाल भी जब्त कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी पुलिस ने दी है, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ सर, दिनांक 25/7/2023 रोजी फिर्यादी मनीष रिदुरकर आणार जगन्नाथ बाबा नगर यांनी पोलिसांना रिपोर्ट दिली होती की ते बाहेर 14/6/2023 रोजी बाहेरगावी गेले असताना त्यांच्या घराचं कुलूप तोडून गुन्हेगारांनी प्रवेश करून सोन्याचे मंगळसूत्र, सोन्याचे झुमके, ओमचे लॉकेट आणि कॅनन कंपनीचा कॅमेरा असा एकूण 65,000 मुद्देमाल गुन्हेगारांनी घरपोडी करून चोरून नेलेला आहे। त्या संदर्भात आम्ही पोलिसांना घरपोडीचा गुन्हा दाखल केला। गोपनीय बातमीदारामार्फत मिळालेल्या माहितीवरून तसेच तांत्रिक बाबींचा वापर करून सदर गुन्हा आम्ही उघडकीस आणला। त्यामध्ये अमोल आदेश इलमकर राहणार वैद्यनगर आहे, नंतर साहिल आंबेकर राहणार विठ्ठल मंदिर वार्ड, शाहरुख शेरखान पठाण राहणार बल्लारशा या तिघांना अटक केली आणि या तिघांकडून या गुन्ह्यातील संपूर्ण 100% मुद्देमाल आम्ही रिकवर केलेला आहे। त्याचप्रमाणे आरोपी अमोल इलमकर याच्याकडे असलेली मोटरसायकल, त्याबद्दल विचारणा केली असता की मोटरसायकल ही देसाईगंज गडचिरोली इथून त्यांनी चोरल्या सांगितले, तसेच तिथे आणखी विचारपूस केली असता त्यांनी मोटरसायकल तसेच त्याच्याकडे सोन्याचे अंगुठी 5 ग्राम आणि 3 चांदी शिक्के असा एकूण 2,06,000 मुद्देमाल
जप्त करण्यात आलेला आहे, तो संबंधित पोलीस स्टेशनला त्यांच्या विनंतीनुसार आम्ही हँडओव्हर करणार आहोत. अशा प्रकारे एकूण गोपनीय अज्ञात गुन्हेगाराविषयी विरुद्ध हा गुन्हा असतानासुद्धा गोपनीय बातमीदारामार्फत हा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे. माझं सर्वांना आवाहन आहे की या वर्षात जेवढेही गुन्हे आम्ही घरपुढीचे उघडकीस आणलेले आहेत त्या गुन्ह्यांमध्ये तांत्रिक बाबींचा वापर करून गुन्हे उघडकीस आणलेले आहे. त्यामुळे मी सर्व चंद्रवासींना विनंती करेल की त्यांनी आपल्या घरासमोर किंवा घरी CCTV कॅमेरे बसवून घ्यावेत, जेणेकरून यापुढे अशा घटना घडणार नाहीत किंवा घडल्या असता त्याचा उलगडा व्हायला मदत होईल. धन्यवाद. चंद्रपुर जिला NSUI अध्यक्ष शफक शेख की ओर से सभी मुस्लिम भाई बहनों को और चंद्रपुर वासियों को बकरा ईद की मुबारकबाद. भाजपा को छोड़कर सभी दलों के पूर्व नगर सेवकों ने आरोप लगाया कि चंद्रपुर नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने एक पसंदीदा ठेकेदार के लाभ के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जल आपूर्ति कार्य का निजीकरण करने की साजिश रची है. पूर्व भाजपा पार्षदों ने अभी तक इस मामले पर अपनी स्थिति की घोषणा नहीं की है, लेकिन सभी पार्टियों के पूर्व पार्षदों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जल आपूर्ति ठेके को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया. पूर्व नगर सेवक पप्पू देशमुख ने आरोप लगाया कि नगर निगम जल आपूर्ति के एक ही काम के लिए एक ही समय में तीन तीन ठेके दे रहा है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशमुख ने तीनों टेंडर की कॉपी सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने दिखाई. इस दौरान देशमुख ने आरोप लगाया कि तीन महीने में एक ही काम के लिए तीन अलग अलग टेंडर जारी कर तीन ठेकेदारों को नियुक्त करने की कोशिश एक फल तीन माली के समान है. मई 2023 में जल आपूर्ति योजना के विद्युत और यांत्रिक भागों के रखरखाव और मरम्मत का ठेका देने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा एक और निविदा जारी की गई थी. ये दोनों टेंडर प्रक्रियाएं अंतिम चरण में है और सबसे कम रेट वाले ठेकेदारों का चयन भी कर लिया गया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशमुख ने आरोप लगाया कि मनपा प्रशासन एक ही काम के लिए तीन ठेकेदारों को नियुक्ति करने का अनोखा रिकॉर्ड बना रहा है. इस मौके पर उन्होंने दोहराया कि नगर निगम अधिकारियों की भूमिका पसंदीदा ठेकेदार के लिए है. नगर निगम की विशेष बैठक में ठेका रद्द कर जल आपूर्ति योजना चलाने का निर्णय लेने के बाद आयुक्त झूठ बोल रहे हैं. पिछले तीन साल से संविदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन इस पद्धति को दरकिनार कर पूरी योजना चलाने और एक ही ठेकेदार को रखरखाव और मरम्मत का काम देने का उद्देश्य जलापूर्ति योजना का गोलमोल तरीके से निजीकरण करना है. ऐसा एक बार फिर सभी दलों के पूर्व पार्षदों ने आरोप लगाया. पूर्व पार्षदों ने टिप्पणी की कि आयुक्त पालीवाल सार्वजनिक रूप से मीडिया से झूठ बोल रहे हैं. इसके बाद पार्थ अलसर समाचार में आयुक्त विपिन पालीवाल से उनका नजरिया जाना, जिसमें उन्होंने पार्षदों द्वारा लगाए गए सारे आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि पिछले तीन सालों से इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस लीकेज मेंटेनेंस का टेंडर निकाल कर ही काम किया जा रहा है और महानगर पालिका के पास मेन पावर नहीं होने की वजह से वो भी हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं. इस बार उसमें सर्विस का पार्ट भी जोड़ा गया है. पाणी पुरवठा करण्याचं एक काम ज्याच्यासाठी नुकतीच निविदा प्रसिद्ध झालेली आहे, ज्याच्यासाठी 2 कोटी टर्नओव्हर आणि 1 कोटी बँक बॅग यांची मागण्यात आली, म्हणजे मोठ्या कंत्राटदाराला मधीतल्या कंत्राटदाराला देण्यासाठी हे कंत्राट काढण्यात आलं. पण गडबड अशी आहे की याच्यामध्ये यापूर्वी पुन्हा 2 कामं काढण्यात आले होते, कंत्राट काढण्यात आले होते एकाच कामासाठी, पाणी पुरवठ्याच्या देखभाल दुरुस्तीच्या यंत्रसामुग्री चालवण्याच्या त्याचं मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स करण्याच्या कामासाठी 3 टेंडर काढले, 3 कंत्राटदाराची नियुक्ती, सगळे कामं सारखी आहे, 1 फूट 3 माली असा हा प्रकार आहे. आयुक्त महाभ्रष्टाचारी आहे, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई झाली पाहिजे. आयुक्तांच्या विरुद्ध कारवाई जर झाली नाही आणि पाणी पुरवठ्याचं खाजगीकरण जर थांबवलं नाही तर आम्ही पूर्ण चंद्रपूर शहरामध्ये रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, जनतेच्या कोर्टात जाऊ, मान्य न्यायालयात जाऊ आणि आदरणीय पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार साहेब असतील किंवा आदरणीय आमदार गोरेगाव साहेब असतील यांनी या मुद्द्याची दखल जर घेतली नाही तर त्यांच्याही विरोधात आम्ही जनतेमध्ये जाऊ, हा आमचा त्यांनाही इशारा. चंद्रपूर शहर महानगरपालिका के पाणी पुरवठा योजना कंत्राटी तत्वों पर चलाने के लिए जो कोई निविदा प्रक्रिया की जा रही है उसके ऊपर जो माजी नगर सेवक द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं या कुछ आक्षेप उनके द्वारा लिए गए हैं, उन आक्षेपों के बारे में कहना चाहूँगा कि चंद्रपुर शहर महानगर पालिका की जो पानी पुरवठा योजना है यह पिछले 3 सालों से कंत्राटी पद्धति पर ही चलाई जा रही है. इसमें उसके 2 से 3 पार्ट थे.
उसमें एक पार्ट है कि वहाँ पे जो विद्युत उपकरण है जो मोटर्स है उसमें अगर कुछ बिगाड़ होता है तो उसकी जो कुछ टेक्निकल दुरुस्ती है उसके लिए जो एक्सपर्ट लोगों से वो दुरुस्ती करना वो एक निविदा प्रक्रिया होती है। दूसरा होता है कि जो वाटर सप्लाई में जो कुछ लीकेजेस होते हैं वो लीकेजेस की दुरुस्ती करना, ये दोनों काम जो है जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है जैसे जैसे कुछ बिगाड़ होते हैं या फिर लीकेज होते हैं तो उसकी दुरुस्ती के लिए किए जाते हैं, उसके लिए निविदा मंगाई जाती है और वो अगर ज़रूरत होती है तो वो काम किया जाता है। जैसे कि अभी हमारी अमृत योजना चालू है, इसका काम लगभग अंतिम चरण में है, अगर यह योजना कंप्लीट होती है तो लीकेज और दुरुस्ती का काम कम रहेगा, लेकिन यदा कदाचित किसी कारणवश अगर उसकी लीकेज होती है, कोई काम करते वक्त बांध काम करते हो, रोड का बांध काम करते हो, या इधर किसी रीज़न से लीकेज होता है तो वो दुरुस्ती के लिए मनपा उसके लिए यह निविदा मंगा के रखती है। और इसी प्रकार की निविदाएँ पिछले सालों में भी 2-3 सालों में मंगाई गई है और उस तरीके का काम किया गया है। दूसरा पार्ट होता है कि इस योजना का संचालन करना, इस योजना संचालन करने के लिए रिक्वायर्ड जो मनुष्य बल होता है, जो कुछ मैन पावर लगता है, इतना मैन पावर महानगर पालिका की तरफ नहीं होता है, इसलिए यह कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लिया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उसको चलाया जाता है। इसी प्रकार का टेंडर पिछले साल 2 साल पहले भी हुआ है, उसमें सिर्फ वो लेबर सप्लाई का टेंडर था, उसको इस साल हमने सर्विस बेस किया है। यह इस प्रकार की निविदा महानगर पालिका द्वारा की गई है। तो मैं उन माजी नगर से उन्होंने जो आक्षेप व्यक्त किए गए हैं उनका मैं खंडन करता हूँ। चंद्रपुर महानगर पालिका के पूर्व पार्षद और सभापति श्री बापू अंसारी की ओर से सभी मुस्लिम भाई बहनों को और चंद्रपुर वासियों को बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। श्रमजीवी कोयला कामगार संघ राज्य अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य की ओर से समस्त मुस्लिम भाई बहनों को और चंद्रपुर वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।